अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और अपने डॉग को ट्रेन करना चाहते हैं, वो भी बहुत सारी अमेजिंग कमांड्स, तो इजीली आप इस चैनल के थ्रू अपने डॉग को सिखा सकते हैं। और लेना चाहते हैं प्रॉपर गाइडेंस हिंदी में, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और सबसे पहले लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन लेने के लिए सब्सक्राइब बटन के साइड में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिपल एसडी साइंस ओनली स्मार्ट डॉग ट्रेनिंग में। आज का जो वीडियो है वो है अटैकिंग कमांड, जो कि आप लोगों की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट के बाद आप लोगों ने बहुत ज्यादा कमेंट किए कि आपको अटैकिंग ट्रेनिंग कब डालेंगे। तो अब से ये इसकी अटैकिंग की सीरीज जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो ये आज अटैकिंग की पहली वीडियो है, तो इसमें जो चीज़ें मैं जो आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा वो फॉलो कर दें आपको। तो आज बेसिक से स्टार्ट करते हैं, तो कुछ एक्सरसाइज और क्या क्या जरूरी बातें वो सिखानी है, तो उसके लिए मैं आपको आज ये वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए, कमांड शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको ये अटैकिंग कमांड सिखाते समय क्या क्या जरूरी सेफ्टी है अपने लिए वो ध्यान रखनी है। सबसे पहले क्या करना है, एक ओपन एरिया में आपको ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है। इससे अलग आपको नी गार्ड और जो हैंड गार्ड है रिस्ट में और अपने पूरा एक सूट आता है तो वो भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसमें क्या है, डॉग के काटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कोशिश करें कि आपका डॉग आपके कंट्रोल में हो पूरा, ज़्यादा बड़ी ब्रीड को और एग्रेसिव ब्रीड को सिखाने की कोशिश ना करें, जो पहले से एग्रेसिव हो उस पर ट्राई ना करें। और अगर आपके कंट्रोल में आपको लगता है कंट्रोल हो जाएगा, आपके इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा, वो आपको समझता है, तब इस चीज़ को स्टार्ट करें। बहुत ज़्यादा अटैकिंग डॉग पे बिना किसी अच्छे एक्सपर्ट की देखरेख में ना करें इसको। और बाकी अगर आपके कंट्रोल में डॉग तो सिखाइए, मैं आपको सिखाना स्टार्ट करता हूँ। एक चीज़ और, ये कमांड सिखाने से पहले आपके डॉग को नो और लीव कमांड बहुत अच्छे से समझना चाहिए। अगर आप एक बार में नो बोले तो मान जाए आपका कहना और लीव बोले तो छोड़ दे उस चीज़ को। अगर कोई चीज़ पकड़ा हुआ है तो छोड़ दे, ये कमांड बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना है इस चीज़ का। इससे पहले इस पर परफेक्शन ले आएँ और नो और लीव कमांड बहुत अच्छे से सिखा लें, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि ये एक बार डॉग की, कुछ डॉग होते हैं जिनकी ग्रिप अच्छे से पकड़ ली बना ली, वो चाहें तभी छोड़ पाते हैं, हम ज़बरदस्ती चाहें तो नहीं छुड़ा सकते। उस केस में आपकी नो और लीव कमांड उसके काम में आएगी। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं कमांड। कमांड सिखाने के लिए सबसे पहले अपने डॉग को बार कमांड अच्छे से सिखा लें। बार के लिए मैंने पीछे जो वीडियोस हैं वो अपने अपलोड की हुई हैं, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो का लिंक है, वहाँ से जाके देख सकते हो वीडियो। इससे अलग जब आपका डॉग बार आता होगा अच्छे से, तब उसको अटैक यहाँ से सिखाना है। आप क्या बोलेंगे, जैसे किसी के ऊपर अटैक कराना है तो कोई चीज़ दिखा के पहले तो आप उसको खुद से प्रैक्टिस कराएंगे, और वो जो चीज़ जिस चीज़ में इंटरेस्ट लेता है उसके साथ स्टार्ट करेंगे। जैसे बॉल है, आप उसको फुटबॉल में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं डॉग, तो क्या है कि फुटबॉल जब आप खेलते रहते हैं डॉग तो उसके पीछे भागते हैं, तो फुटबॉल जब पुरानी हो जाती है तो फट जाती है बॉल, तो उसको आप क्या है दोनों साइडों से खाली करके बॉल को एक ग्रिप बनाने का वो यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि डॉग उसमें इंटरेस्ट पहले से ले रहा होगा तो वो चीज़ को देखते ही पकड़ेगा। ठीक है, तो फुटबॉल यूज़ कर सकते हो आप, और जैसे कुछ स्टिक वगैरह डंडे होते हैं पकड़ने की आदत डालनी है, अभी मैं एक्सरसाइज कुछ दिखाऊंगा वो इस तरीके से करानी है, तो ये आप एक्सरसाइज के लिए यूज़ करें। तो सबसे पहले आप जैसे उसको बोलना है अटैक बोलते हुए, और बार्क बोलना है, बार्क गो अटैक, बार्क अटैक, बार्क अटैक, ये चीज़ एक साथ बोलनी है। तो क्या होगा कि बार्क तो करेगा, जैसे देख के बार्क बोलोगे अटैक, ठीक है, तो वो भौंकेगा, ठीक है, और अटैक बोलोगे तो वो जो चीज़ दिखाओगे पकड़ने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज कराओगे तो जैसे ही वो पकड़ ले तो उसको खींचना है, तो खींचोगे तो अपनी तरफ खींचेगा, ये नेचर होता है डॉग का, और इससे क्या होगा ग्रिप मजबूत होगी। अटैकिंग डॉग बनाने के लिए उसके जॉ में ताकत होनी चाहिए, ताकत तभी आएगी, नेचुरली होती है उस डॉग में, बट नहीं होती है तो एक्सरसाइज के द्वारा बनाया भी जा सकता है उसको। तो जब आप उसकी एक्सरसाइज कराएंगे तो ग्रिप मजबूत होती है, जितना खींचेंगे उतने कस कस के पकड़ता है, और मसल्स उसके जॉ की होती हैं और मजबूत होती चली जाती है, तो उसके ग्रिप बनाने में अटैकिंग में काम में आती है। तो ये बेसिक एक्सरसाइज है, कम से कम 20 दिन करनी होती है। फिर अभी मैं दिखा रहा हूँ, तो जैसे कि आप उसका डर भी निकालना पड़ता है आपको, तो डर निकालने के लिए भी कुछ ऐसे डंडा इस्तेमाल करते हैं, लोग डराते हैं, तो डंडे से ना डरे तो उसके लिए भी कुछ एक्सरसाइजेस हैं, आप उसे दिखाओगे और होल्ड कराओगे, डंडे से खिलाओगे, उसे पकड़ते रहे, जब कोई मारे और जब कूद के पकड़े तो उसको पकड़ ले जब डंडे को, तो गुड बाय बोलना है, छोड़ दे तब गुड बाय बोलना है। इस तरीके से आपको ग्रिप के लिए बॉल पकड़ानी है या जो भी चीज़ है, तो कुछ लोग हैंड गार्ड पे ले आते हैं, मैं डायरेक्ट नहीं सिखा रहा हूँ, मैं बॉल से सिखा रहा हूँ। मैं उसका अगला जो एपिसोड आएगा उसमें बताऊँगा मैं कैसे गार्ड का यूज़ करना है। तो पहले आप बॉल से सिखाइए जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, या फिर किसी ऐसी चीज़ का यूज़ कर सकते हो जो कि काफ़ी फ्लेक्सिबल हो और फटे ना मजबूत हो। We'll be right back.
आप यूज़ कर रहे हो तो कर सकते हो। फिर खींच के और एक्सरसाइज करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा डॉग पे प्रेशर डालना, और डॉग को उसके पावर से उठा भी सकते हो, उसके जॉ की पावर से डॉग को होल्ड करके ज़मीन से ऊपर उठा सकते हो। अगर आप पे पावर है तो उसको घुमा के यूज़ कर सकते हो, जैसा अभी मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ, वैसे एक्सरसाइज करा सकते हो। उससे पहले छोड़ दे तो ट्रीट ना करें, अपने मन से नहीं छोड़ना चाहिए। जब आप बोले पकड़ ले, आप बोले लीव, तो वो छोड़ दे, तो इससे उसकी आदत हो जाएगी कि ये लीव बोले तो मुझे छोड़ना है और ट्रीट मिलेगा। तो इससे क्या होगा, मान लीजिए कि उसने किसी को पकड़ा है, आपने धीरे धीरे अटैकिंग सिखा दिया, अब आगे चल के क्या है, वो एकदम अटैक कर दिया, पकड़ लिया किसी को, तो आप बोलेंगे नो लीव, तो वो तुरंत छोड़ देगा, उसको समझ में आ जाएगा मेरा ऑर्डर बोल रहा है मुझे छोड़ लेगा, तो लीव का मतलब है वो उसे छोड़ देगा। तो इस तरीके से बेसिक एक्सरसाइज है, आप केवल किसी के ऊपर ट्राई ना करें अभी, उसके लिए पूरा सूट के साथ और हम लोग आगे बताएंगे, लास्ट की सीरीज में आएगा, धीरे धीरे आएगा, वो लास्ट का पार्ट है। बेसिक एक्सरसाइज है, ये कराइए आप, और इससे देखना आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगर डॉग मतलब कुछ ही ऐसी ब्रीड है, कुछ ही ऐसी ब्रीड है जो कि आप उन्हें सिखा सकते हो, जैसे लेब्रा है, बनाया जा सकता है, कोशिश कर सकते हो, 60% सुधार हो जाता है। बट कुछ एग्रेसिव ब्रीड है उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ये एक्सरसाइज बहुत कारगर है, और नेचुरली देखना ये सीख जाएंगे और अटैकिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। 50% तो इसी से सीख जाएंगे, बाकी जो 50% जो काम बचता है वो आप आने वाली वीडियोस में सीख जाएंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको अटैक सिखाने में आपके डॉग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। इससे अगर आप चाहते हैं कि आप हमसे पर्सनली कुछ सीखें, तो उसके लिए आप हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए जो सामने स्क्रीन पर नंबर दिए जा रहे हैं, इन नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम है सुनील श्रीवास्तव, तो सुनील श्रीवास्तव मेरे नंबर पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दूसरा नंबर है साहिल सैफी, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जब आप उनसे कॉन्टैक्ट करेंगे और मैसेज छोड़ेंगे व्हाट्सएप पे कि सेंड मी अबाउट मेंबरशिप डिटेल, तो वो आपको मेंबरशिप की पूरी डिटेल की वीडियो सेंड कर देंगे, उसमें पूरी डिटेल्स होगी, वो आप देख लेंगे, आपको उसमें मेंबरशिप क्लियर हो जाएगी, उसमें चार्जेस वगैरह जो भी उसकी फीस है वो सारी क्लियर बता दी जाती है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हम नई नई वीडियोस आपके लिए लाते रहें। और आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए हुए हैं।